इतनी बड़ी खबरों होने के बावजूद मीडिया हाउस क्यों चुप है कि जिस गुजरात में कई बरसों से शराबबंदी है वहां 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा देंगे? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या गुजरात के राज्यपाल इस्तीफा देंगे? आखिर ये सारे डुप्लीकेट काम करने वाले, जाली फरेब कुकर्म करने वाले लोग भाजपा से क्यों जुड़े हुए हैं? देख लीजिए, सारे तार भाजपा से जुड़े हुए मिलेंगे। कमीशन खाने वाला भाजपा का डुप्लीकेट, रुई का पुल बना था, कागज का पुल बना था जो ध्वस्त हो गया। कागज का नहर बना था क्या? रुई की दो चार बारिश की बूंदे हुई, टेस्टिंग हुआ, गल गया। कौन है ड्रग्स रैकेट में शामिल लोग? क्यों नहीं चर्चा होती ड्रग्स के पूरे पूरे खेप पर? क्या पूरे देश को नशेड़ी बनाने की गुजरात के माध्यम से पूरा चाहते हैं क्या सरकार के लोग? आखिर कौन लोग हैं? इतने असक्षम प्रधानमंत्री हैं कि जितने बार 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 गुजरात में ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है कोई चर्चा तक नहीं होती? क्या गुजरात में जाली नोट छापने की मशीन पकड़े जाने के बाद, जाली नोट पकड़े जाने के बाद भी स्वामीनाथ मंदिर में जिस तरीके से पकड़े गए उसके बाद कार्रवाई नहीं होती? जवाब कौन देगा? अभी जो जहरीली शराब पीने से गुजरात में, क्या प्रधानमंत्री जी और गुजरात के मुख्यमंत्री जी, क्या आप उनके घरों में खुशियां लौटा पाएंगे? आपके लोग आखिर कैसे, वहां कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? कई घरों के चिराग गुजर गए, कई माँ बहन बेटियों के मांग के सिंदूर उजर गए, इसका जवाब दे कौन? ऐसे ही घटनाएं बिहार में, जहां डबल इंजन की सरकार है, शराबबंदी के नाम पर एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा, देख लीजिए वहां भी जहरीली शराब का काम होता है। हिंदू धर्म में तो मदिरापान का फल है, व्यभिचार का फल है, तो ये चकला घर चलाने वाला भाजपा का नेता कैसे हो गया भाई? कैसे लोगों को भर्ती करते हैं? जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लेकर लड़ता है। भारत की खुफिया जानकारी देने वाला पाकिस्तान को, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना कई टावर बैठा रखा था, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। वाह, कमाल की बात है भाई। जहां भी देखो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पाओ, जहां कोकीन सप्लाई करने वाला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या मीडिया को मैनेज कर लिया गया है इस वक्त? देखिए, पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, अब क्या है, मोदी सरकार ने मीडिया हाउसों को खरीद के रखा है। समझना होगा देश के लोगों को, मीडिया हाउस 24 घंटा, उसके आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखेंगे, उसकी लागत पर देखेंगे, तो विज्ञापन चाहिए उसको चलाने के लिए, तो विज्ञापन कौन देगा? अंबानी अडानी देगा। आप एक बात बताइए कि पूरा विश्व में मंदी है तो अडानी ऐसा कौन सा, बिल गेट्स कंप्यूटर बनाया, बेचा पूरी दुनिया को तो अमीर बना, अडानी क्या बेचा? प्रधानमंत्री का जमीन बेच के ही तो बना ना। प्रधानमंत्री जी ने जितने अडानी के पैसे माफ़ कर दिए, अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को माफ़ कर देते तो आज हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होती, हिंदुस्तान में मंदी नहीं होती, हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था चौपट नहीं होता। एक आदमी को अमीर बनाने के चक्कर में 76,00,000 करोड़ रुपया NPA में डाल दिया गया, माफ़ कर दिए गए। किसानों के लिए पैसा नहीं है, छात्रों के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा नहीं है, सेना के जवानों के लिए पैसा नहीं है, तो किसके लिए है? सिर्फ सेन अडानी के लिए है? देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा, सभी बैंकों का पैसा आखिर अडानी को ही आप क्यों दे रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रधानमंत्री जी? ये पूछता है भारत और आप पर थूकता है कि आप पूरे देश को लूट कर सिर्फ अडानी को वर्ल्ड का चौथा आदमी बनाने के चक्कर में देश को नाइजीरिया से पीछे छोड़ दिया। पूरा देश हो गया कंगाल, आपका मित्र अडानी हो गया माला माल है? वाह, कमाल करते हैं। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, अपराधी स्मगलर कोई भी हो बेलगाम हो गया है। आप देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी, जो गरीबों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा जिस शारदा चिट फंड में जमा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष का नेता होता है। आप अभी देख लीजिए, स्मृति ईरानी की बेटी मृत व्यक्ति के नाम पर बार चला रही होती है, वहाँ बीफ परोसे जाते हैं। आप देख लीजिए मेघालय में बनाड नाम का, भारतीय जनता पार्टी मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष चकला घर चलाता है, जहाँ 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम,
छः लड़कियों को छुराया जाता है। तो ये क्या हो रहा है? जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं वो लोग ये काम कैसे कर सकते हैं? हिंदू धर्म में जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा झंडा प्रदार समझती है, ठेकेदार समझती है, आखिर उसके नेता सेक्स रैकेट चकला घर कैसे चला सकते हैं? ये हिंदू धर्म कहता है क्या? ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। आने वाली पीढ़ियां हिंदू धर्म के नाम से कोसेगी। मैं एक सच्चा हिंदू होने के नाते इसका विरोध करता हूं। हिंदू धर्म नहीं कहता है बार चलाना और उस बार में वो मांस परोसना, ये हिंदू धर्म कहता है क्या? आखिर भारत ब्राजील को पछाड़ कर वर्ल्ड में नंबर वन बीफ एक्सपर्ट में कैसे हुआ? आखिर किन किन लोगों ने बीफ एक्सपर्टर्स से पैसा चंदा लिया? ये सब पर्दाफाश की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहस नहीं करते, वो तो बहस कर ही नहीं सकते, वो तो हम जैसे लोगों पर एनएसए में डाल देंगे, यूपीए में डाल देंगे, हत्या करा देंगे, स्वीट पॉइजन डाल देंगे लोगों के शरीर में, वो सवाल नहीं कहते। ये रावण कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए कि 5400 से अधिक ईडी के मामले हैं, तो क्या कारण है कि नारायण राणे के यहाँ ईडी अब नहीं जाती? क्या कारण है कि असम के मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी सीबीआई आईटी नहीं जाती? क्या कारण है कि शुभेंदु अधिकारी के यहाँ सीबीआई ईडी नहीं जाती? क्या कारण है कि येदुरप्पा के यहाँ नहीं जाती? क्या कारण है कि रमन सिंह के बेटे और दामाद के यहाँ ईडी नहीं जाती? ऐसे कई लोग हैं। क्या एकनाथ शिंदे पर ईडी कार्रवाई करेगी? क्या भावना गावली पर कार्रवाई करेगी? मतलब ईडी सीबीआई आईटी को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर ये नचा रहे। कठपुतली का नाच ऐसे होता था, हाथ में धागा होता था, उसे सारा मूवमेंट कराया जाता था। प्रधानमंत्री जी सीबीआई ईडी तमाम जो देश की संवैधानिक संस्था है उसको कठपुतली बनाकर नाच नचवा रहे हैं, वही ईडी है। कभी नारायण राणे के यहाँ दिल्ली पसेंजरी का काम करता था, जब से वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया नारायण राणे जी केंद्र में मंत्री हो गए, सीबीआई ईडी है चुप, वही सीबीआई ईडी है। जहाँ शुभेंदु अधिकारी के यहाँ बंगाल में खुद गृह मंत्री डेली पैसेंजर बना हुए थे, सुबह में जाते शाम की ट्रेन पकड़ के घर वापस आते। अब न सीबीआई जाती है, न ईडी जाता है, न सीबीआई जाता है, न आईटी के लोग जाते हैं। तो भैया जो गरीबों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया करके शारदा चिटफंड में जमा हुआ था, तो क्या प्रधानमंत्री जी आपको शर्म नहीं आती? आप राम और कृष्ण की बात कहते हैं, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं कि गरीबों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा जब शुभेंदु अधिकारी लूट लिया, खसोट लिया, तो आप उसको नेता प्रतिपक्ष कैसे बना सकते हैं? स्वामीनाथ मंदिर के नाम से एक छोटा सा मंदिर जहां 2000 नोट छापने की जाली नोट छापने की मशीन लगी हुई थी, 2000 के जाली नोट बरामद हुए, फिर भी मीडिया हाउस से यह सवाल गायब था। सवाल पूछता है भारत और थूकता है भारत इन लोगों पर कि आखिर कब तक? आप उसी गुजरात में देखा होगा जिस गुजरात में नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते नहीं थकते थे, उसी 24 घंटा के भीतर टेस्टिंग में ही वो पूरी की पूरी नहर पानी के उसमें बहाव में बह गई और लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोगों की फसलें बर्बाद हुई, वहाँ कई गांव जलमग्न हो गए।